नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 के ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के कट ऑफ पे। तो देखिए, ये कट ऑफ हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स थे उनका डिमांड था कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कट ऑफ को लाएँ अपने चैनल के माध्यम से। तो देखिए, हम पार्टिकुलर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का कट ऑफ अपने दम पे बना सकते हैं जो कि हमारा एजुकेशन है। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट के कट ऑफ हैं, हम उसके लिए किसी ना किसी एक्सपर्ट से ही मिलते हैं। जो टीचर्स हैं कोचिंग सेंटर्स में, वो अपना टाइम दे रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो मिलते हैं उनके डेटा से हम आपका कट ऑफ तैयार करते हैं, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि आपका जो स्कोर आपको एग्ज़ाम में प्राप्त हो रहा है वो स्कोर आपको सेफ जोन में ले जा रहा है या अभी आपको डेंजर जोन में वो रख रहा है। तो देखिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो ये आपका 66% से जिनका स्कोर ऊपर जा रहा है वो सेफ जोन में है, उनका JRF का चांसेस मैक्सिमम रहेगा। 58% से ऊपर जिनका स्कोर जा रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनका चांसेस यहाँ पे बनता है। OBC कैटेगरी की बात करें तो 65% से ऊपर जिनका स्कोर जा रहा है वो JRF के लिए सेफ रहेंगे, एंड 53% से जिनका स्कोर ऊपर जा रहा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेफ रहेंगे। SC कैटेगरी की बात करें तो 60% से ऊपर जिनका स्कोर जा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं उनके JRF के, एंड 49% से जिनका स्कोर ऊपर जा रहा है उनका मैक्सिमम चांसेस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ST की बात करें तो ST कैटेगरी के अंतर्गत 58% से ऊपर जिनका स्कोर आ रहा है उनका चांसेस अच्छा रहेगा JRF के लिए, एंड 48% से जिनका ऊपर स्कोर जा रहा है उनका मैक्सिमम चांसेस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। PWD की बात करें तो अलग अलग PWD की 4 कैटेगरियाँ होती हैं, तो उन सभी के लिए एक एवरेज हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो 45% से ऊपर अगर जिनका जा रहा है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे JRF के लिए, एंड 40% से ऊपर जिनका जा रहा है उनके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है EWS, उनकी बात करें तो 62% से ऊपर जिनका जा रहा है स्कोर तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपके JRF के लिए, एंड 53% से थोड़ा नीचे भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 53% से ऊपर ही जाना चाहिए आपका स्कोर, तो आपका जो रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। तो ये हो गए आपके कट ऑफ। और देखिए, ये अनऑफिशियल है, हम सबसे लाखरी में हम आपको ये भी बताते हैं कि ये अनऑफिशियल है। ऑफिशियल आपका जो है कट ऑफ बहुत जल्दी अवेलेबल होगा, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं बीच की प्रोसेस पूरी हो जा रही हैं और कुछ बची हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ एंड आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें, बट आप लोग को अगर लग रहा है कि आपने अपना बेटर नहीं दिया और आपका स्कोर कम है तो प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। किसी का इंतज़ार मत करिए कि रिजल्ट आए या ना आए, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको आज भी पढ़ना है और आपको जॉब के बाद भी पढ़ना और पढ़ाना है, दोनों काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।